हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन कुमार। आप लोग देख रहे हैं ओडी टेक्निकल। दोस्तों, आप लोगों के पास जियो का सिम है और आप लोगों की जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों के पास अगर जियो का सिम है तो आप लोग बहुत तेज इंटरनेट की स्पीड पा सकते हैं। कैसे आप लोग तेज इंटरनेट स्पीड पा सकते हैं, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन यार, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में आपको सेटिंग्स ओपन करनी है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको पहला ऑप्शन या आपके स्मार्टफोन में जहाँ पर भी ऑप्शन होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है। सबसे लास्ट में आपको एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि APN पर आपको क्लिक करना है। APN पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। डॉट पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको पहला ऑप्शन नेम का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको फील्ड करना है जियो 4G प्रो स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आपको नेम में फील्ड करना है जियो 4G प्रो स्पीड। इसके बाद आपको APN पर जाना है। APN पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है जियो नेट। आपको जियो का जे बड़ा और आपको एन का एन बड़ा। आपको जियो और नेट में स्पेस नहीं देना है, आपको मिलाकर लिखना है साथ में उनको। इसके बाद आपको यूजर्स नेम पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है स्पीड। आपको स्पीड का एस बड़ा डॉट स्मॉल वी 4G, ओके कर देना है आपको वहाँ पर। इसके बाद आपको पासवर्ड अपना फील्ड करना है, www.google.com आपको फील्ड करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको PAP पर क्लिक करना है। इसके बाद आप APN प्रोटोकॉल पर लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन बीयरर पर जाना है, वहाँ पर आपको अनस्पेसिफाइड को कैंसिल कर देना है। इसके बाद आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे दिया जाएगा और आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। और इस पर जियो 4G प्रो स्पीड पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को रिबूट करना है, स्मार्टफोन को ऑफ करना है। इसके बाद आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड देखते हो तो आप लोग बहुत तेज़ इंटरनेट स्पीड पा सकते हैं।